का जी हैप्पी बर्थडे है और माशाल्लाह माशाल्लाह इब्राहिम हो गया है उनके आगे, तो बस इब्राहिम के साथ घर जाते स्ट्रॉबेरी वाला नहीं ठीक है, सारा खराब हुआ हुआ ये वाला ही लेते, चॉकलेट वाला ही मजे का होता है। कैसे हैं आप सब, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। आज हम एक नई और जबरदस्ती वीडियो लेके आ गए, तो वीडियो क्या है? हैप्पी बर्थडे टू यू। आज हमारे इब्राहिम का जी हैप्पी बर्थडे है और माशाल्लाह माशाल्लाह इब्राहिम हो गया है 12 इयर्स का। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे इब्राहिम। तो हमने सोचा कि रोजे हैं तो हम एसएच, वैसे भी इब्राहिम लाइक नहीं करता कि अपने फ्रेंड्स को बुलाए, ये वो फैमिली के साथ, फैमिली ओरिएंटेड बच्चा है मेरा, तो फैमिली के साथ करनी पसंद करता है। तो हमने सोचा हम इसको गिफ्ट्स देंगे, छोटा सा केक कट करेंगे, इसकी पसंद की इफ्तारी बनाएंगे और इंजॉय करेंगे। तो आप भी हमारे साथ साथ रहिएगा और देखिएगा कि हम कैसे इब्राहिम को खुश करते हैं और इसको प्यारे प्यारे गिफ्ट्स देते हैं और इसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहले अभी हमने बाजार जाना है क्योंकि हमने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे इसके गिफ्ट्स जो कि आ चुके हुए हैं, तो पहले हमने उनको कलेक्ट करना है और उसके बाद फिर हमने बाकी का सारा काम करना है सबसे पहले। लेकिन उससे पहले हमने अपनी दुआ को ब्रेकफास्ट कराना है, तो दुआ को ब्रेकफास्ट कराते हैं, बाकी हम तीनों का रोजा है, तो फिर चलते हैं इब्राहिम के गिफ्ट्स कलेक्ट करने। तो चलिए ये देखें जी, इब्राहिम और दुआ बैठे अब गेमें खेलनी शुरू हो गए हैं। दिन स्टार्ट होता है तो इनकी गेमें शुरू हो जाती हैं। तो चलो भाई इब्राहिम, इट्स योर स्पेशल डे एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट डू यू वांट टू ईट। आज मैंने इब्राहिम को ऑप्शन देनी है, ठीक है? दू सो डू यू वांट मोती बिरयानी और सिंपल चिकन बिरयानी, क्योंकि मुझे पता है कि बिरयानी इब्राहिम की फेवरेट है, तो मैंने सोचा कि आज मैं बिरयानी पकाती हूँ। सो यू टेल मी Which one do you want? मोती बिरयानी खाएगा? मोटू? ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, मोती बिरयानी बना देंगे इब्राहिम को। हाँ जी, आप क्या देख रहे हैं? आप जल्दी जल्दी नाश्ता करें ताकि हम जाके इब्राहिम के जो गिफ्ट्स आए हुए हैं वो कलेक्ट कर लें। ये देखो जी, ये सारे गाड़ी में बैठ रहे हैं और मैं घर को लॉक करती हूँ, फिर चलते हैं। ये लें जी, ये है हम जा रहे हैं इब्राहिम के गिफ्ट्स कलेक्ट करने के लिए। वो इब्राहिम आ रहा है पीछे से। लो भाई, शॉपिंग मॉल में हम आ चुके हैं, तो अब बस हम कलेक्शन करने के लिए जा रहे हैं। लो भाई आ गए हैं हम जेडीज पे, यहाँ पे इब्राहिम के कपड़े देखने हैं हमने। ये देखो भाई इब्राहिम, दिखाओ तो सही खड़े होके, क्या है ये कपड़े इब्बू के आगे? तो बस इब्राहिम के साथ घर चले। लें भी अब सिचुएशन ये है कि अब हम आ गए सेंसबरी और यहाँ का जो फ्रेश केक है ना वो सबसे बेस्ट है, तो हम वो लेने जा रहे हैं। और मुझे ना नज़ला ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है, इसलिए मेरी आंखें भी अजीब हो गई हैं, तो कोई बात नहीं, पर बच्चे का बर्थडे है वो तो सेलिब्रेट करना है ना, तो आपको दिखाते हैं सेंसबरी जाके। ये देखो जी यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे सेज है, सेज सीड्स, क्योंकि समर सॉरी स्प्रिंग आ गया है, तो अगर हम इस वक्त सीड्स लगाएं ना तो बड़े प्यारे पौधे निकलते हैं। तो मैंने सोच रही इस दफ़ा मैं पालक लूँ, पिछली दफ़ा मैंने ली थी वो इतनी अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने स्पिनिच लेनी है। स्पिनिच ऐसा है जो ना सर्दियों के मौसम में भी निकलता है और ढेर निकलता है। बीट रूट भी है, गुड दुआ। ये देखो जितने भी एग है ना, ईस्टर एग्स, ईस्टर तो गया गुजर, तो अब इन पर लग जानी है ऑफरें। और ये देखो लग चुकी हैं, हाफ प्राइस कर करके उधर लगा रहे हैं। तो आओ और आके कलेक्ट कर लो आंडे, चॉकलेट वाले आंडे, गरम गरम आंडे। ये देखें जी केक इधर चूज हो रहा है, कौन सा लेना है? स्ट्रॉबेरी वाला भी, स्ट्रॉबेरी वाला तो बेचारा सारा स्मूश हुआ हुआ है, स्ट्रॉबेरी वाला नहीं ठीक है, वो तो सारा खराब हुआ हुआ है। ये वाला ही लेते हैं, चॉकलेट वाला ही मज़े का होता है इनका, ये बहुत मज़े का केक होता है गाइस, ये आप लेके ट्राई करना। चलो उठा लो एक, सारी शॉपिंग अब हम बैग में डालेंगे। आप इसको डालो दुआ, दुआ ने अपनी चीजें पकड़ी हुई है।
नहीं जी, बाजार से आके मैंने चीजें चीजें थोड़ी बहुत ग्रोसरी भी की थी, वो भी साइड पे रख दी है। तो नजला मुझे फुल टाइम हो चुका हुआ है। तो अब ऐसा करते हैं कि चिकन में भिगो के गई थी, चिकन को वॉश करती हूँ और उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि मोती बिरयानी कैसे पकती है और कैसे इसको हमने रेडी करना है। तो चले फिर मेरे साथ साथ रहिएगा। चिकन वॉश करने के बाद ना फिर आपको इसका मतलब जो मसाला है ना वो बनाना सिखाती हूँ। ये देखें जी, मोती बनाने की हम तैयारी शुरू करने लगे हैं। तो मोती बेसिकली छोटे छोटे से हमने गोल गोल से बॉल्स बनाने हैं, और उसके लिए ये सारा प्याज नहीं जाएगा, आपने देख के परेशान नहीं होना। एक्चुअली मैंने चावलों के लिए और मसाले के लिए इकट्ठा ही छील लिया था। तो ये मैंने लिया है 1/2 kg थाई का, मैंने बोनलेस थाई ली है, और थाई का सबसे मज़े का बनता है, वैसे आप कोई भी कट ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमने ना हरी मिर्चें डालनी है, 3 या 2, ज़्यादा अगर कड़वी है ना तो आप 2 डाल लो। तो मेरे पास ये 1/2 है, तो मैं 2.5 पहले डाल रही हूँ। उसके बाद फिर ये देखें इतना सा अदरक है, अदरक डाल रही हूँ। ये चॉपर में डाल के ना इसको पहले चॉप कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। लो भाई, ये देखें हरी मिर्चें और अदरक को हमने इस तरह चॉप कर लिया बारीक बारीक सा। अब मैंने ये 4 से 5 प्याज हाफ करके चॉपर में डाल दिए, तो इसको चॉप करके और इसका ना किसी कपड़े में डाल के पानी अच्छी तरह से आपने निचोड़ लेना है। तो फिर ये करती हूँ मैं। ये देख लो जी, ये अब मैंने चिकन को डाला और इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए। मसालों में मैंने डाली है काली मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गार्लिक पाउडर, थोड़ा सा चाइनीज सॉल्ट, थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा करी पाउडर, और मैंने डाला है नमक। बस ये चीज़ें डालनी है और इसको अच्छी तरह से हमने चॉपर में चॉप कर लेना, फिर बाद में इसको हम बाकी के मसाले में मिक्स करते हैं। देखें जी, मैंने प्याज पकने के लिए, ब्राउन होने के लिए रख दिया, जो मतलब इसका मसाला बनाने लगी हूँ, कोरमा जो इसका बनाना है। और ये इधर बना हुआ है, कीमा रेडी हो चुका हुआ है। तो इसको अब हम छोटे छोटे से इसके ना बॉल बनाएंगे, बस इतना इतना सा लेके ना छोटे छोटे से, हाथ पे थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा के इतने इतने से, और इसको हम फिर फ्राई कर लेंगे। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा काम है, तो इसको मैं शुरू करती हूँ और फिर आपको बना के फिर दिखाती हूँ, इतने से बॉल बनाने छोटे छोटे से। इसलिए जी प्याज ब्राउन हो गया था, तो अब मैंने इसमें टमाटर डाले हैं। सबसे पहले 5 से 6 टमाटर लेके उनको ग्राइंड करके वो डाल दिया। उसके बाद ये देखिए एक बड़ा सा मैंने दालचीनी का टुकड़ा डाला है, योगर्ट डाला है 5 से 6 टेबल स्पून, उसके बाद पुलाव बिरयानी मसाला डाला है, फिर मैंने डाले हल्दी डाली है, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, साबुत ज़ीरा, कलौंजी, नमक, और ये सारी चीज़ें डाल के अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इसको कुक होने देना है। तो दूसरी तरफ जो उनसे है ना वो तैयार हो रहे हैं अभी मोती, तो मोती जब तैयार हो जाएंगे फिर उसके बाद उसको इसमें डालेंगे। इतनी देर में ये मसाला भी अच्छी तरह से पक जाएगा और सारी चीज़ों में ना मिक्स हो जाएगा और ऑयल अलहदा हो जाएगा। अब इसको बस हमने मीडियम हीट पर ना रख देना है ताकि ये कुक होता रहे। देखिए जी, एक बैच मैंने फ्राई करके इसके अंदर डाल दिया मसाले में, और इसको मैं भून रही हूँ। हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको रेड नहीं करना। और अब ये दूसरा बैच फ्राइंग पैन में मौजूद है, तो बस ये जैसे ये भी फ्राई होंगे तो फिर उसके बाद उसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। और चम्मच आपने ज़्यादा नहीं हिलाना, बस हल्का हल्का सा हिलाना है, वरना ये टूट जाएंगे। तो बड़े प्यार प्यार से आराम के साथ आपने इनको ना बस हिला देना, एक दो दफ़ा हिलाने की ज़रूरत है, आग हल्की कर दें ताकि सारा जो मसाला है ना वो इसमें अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर दे। तो बस उसके बाद क्या उसको कहते हैं, चावल बॉईल करेंगे और इसकी लेयर्स लगा देंगे, और ये मज़ेदार सी हमारी जो सी है ना मोती बिरयानी रेडी हो जानी। ये देखिए ज़बरदस्त, ये देखो भाई, चावलों की एक लेयर हमने नीचे लगाई है और उसके मिडल में हमने डाल देने हैं ये जो मसाला बनाया है। ज़बरदस्त सा मसाला रेडी है, और क्या खुशबू आ रही है, खुशबू सुन सुन के भूख लगी जा रही है। अच्छा, जो मैंने आलू फ्राई किए थे ना, आलू हमारे घर में आपको जैसे पता है, आप मुझे फॉलो करते हो आपको पता ही होगा कि दुआ की वजह से मुझे आलू डालने पड़ते हैं। वैसे आलू आप ना भी डालो तो चलेगा, आप सोचते होगे हर चीज़ में आलू ठोक देती है लेकिन मुझे डालने पड़ते हैं, मेरी बच्ची खाना नहीं खाती उसके बगैर, तो इस वजह से। तो ये देखें ये डाल के और इसके ऊपर बस अब एक लेयर लगाएंगे, तो ये ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी, मोती बिरयानी रेडी हो जाएगी। चलो जी, बिरयानी को लग गया है दम, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक दफ़ा इसको हिला लिया, तो ये देखें जी, ये हमारी ज़बरदस्त सी और जूसी जूसी और टेस्टी बिरयानी बिल्कुल रेडी है।
तो बस अब हम अफतारी का वेट कर रहे हैं, अफतारी होती है तो फिर हम इसको खाएंगे और इंजॉय करेंगे। ये देख सकते हैं आप, जबरदस्त। ले जी ये देखें जी, बर्थडे बॉय के लिए सिंपल सी अफतारी है। बस इसकी फरमाइश थी कि मुझे मोती बिरयानी चाहिए और थोड़े बहुत पकोड़े समोसे, हम इतना कुछ नहीं खाते, हम डायरेक्ट खाना ही खाते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारी अफतारी है और इब्राहिम का बर्थडे भी है, बर्थडे भी है। तो इसके बाद बर्थडे केक काटते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। केक कट करेंगे, बस अभी हम अफतारी करने लगे, 5 मिनट रह गए हैं। अफतारी के बाद फिर नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर केक काटेंगे। तो फिर अफतारी करने के बाद आपसे मिलते हैं। चलें जी, टाइम आ गया, इब्राहिम की बर्थडे का टाइम आ गया है। ये जबरदस्त केक लाए हैं हम, चॉकलेट का, इब्राहिम की फरमाइश पर। इब्राहिम को हमेशा यही केक पसंद होता है। हाँ जी, तो आज भी हम यही लेके आए। चलो भाई इब्राहिम, डू द ऑनर्स। चलो भाई, डू द ऑनर्स ब्रो। चलो जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर इब्राहिम, happy birthday to you. Well done, well done. धुआं धुआं हो गया। चलो इब्राहिम को केक खिलाते। जीते रहो, खुश रहो और कामयाब रहो। ये दुआ भी खिलाएगी। हाँ ठीक, चलें जी, अब बारी है डैडी की। डैडी खिलाएंगे इब्राहिम को केक। यस, अब दुआ भी खिलाएगी। दुआ ने खिला दिया, खिला दिया, फिर से खिला दो, कोई बात नहीं। चलो खिला दो, फिर से खिला दो। दुआ का बड़ा शौक होता है केक खिलाने का। चलो जी, चलो जी, चलो जी। यस, अब बस खत्म, फिनिश, बस फिनिश। तो चलो आप देते हैं इब्राहिम को गिफ्ट्स का टाइम। गिफ्ट्स का टाइम है। चलो जी, केक उठाते हैं और गिफ्ट्स लाते हैं। लो जी, इन्होंने बोला कि हमें गिफ्ट नहीं अभी लेने, पहले हमें केक खाना है। तो मैं कहा चलो जी केक खाते हैं। कैसा केक है भाई? टेस्टी, बहुत मजे का केक। मैं तो अभी चाय बनाऊंगी, उसके साथ खाऊंगी जी। तो अब टाइम है गिफ्ट्स देने का। तो चलो जी, गिफ्ट्स देते हैं। मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरे गिफ्ट्स नहीं, दुआ देगी पहले जी। पहले दुआ देगी। चलो जी, दुआ जी। यस एंड यस। चलो जी, खुलने लगा, खुलने लगा। इस दफा हमने पैकिंग शैकिंग कोई नहीं किया। आपने जैसे देखा कि डिलीवरी आ जाइए, तो क्या बात है भाई। ये है इब्राहिम की शर्ट, ये दुआ ने शर्ट दिया और एक दिया है बॉडी मिस्ट। चलो जी, मेरी तरफ से, ये डैडी की तरफ से। हमने इब्राहिम को कपड़े दिए, समझ ही नहीं आती इब्राहिम को क्या दें। इसको पूछो क्या चाहिए तो बोलता है मुझे जो मर्जी दे दो। नाइस स्टफ है इसका। हां हां, सही है। Another shirt. क्या बात है। एक और इबू, ये भी आपके लिए। एक और है ट्रैक सूट डैडी की तरफ से। हाँ जी, ये भी मेरे तरफ, मैं खोल के देता हूँ। हाँ जी भाई, ये दिखाएं जी, खोल के दिखाएं, खोल के वन बाय वन। यू लाइक इट इबू? यू लाइक द कलर? थैंक यू। ये देखा, yes, whole track suit, nice. इब्राहिम अच्छा लग रहा है ना, साथ इसका पजामा। yes, और ये है मम्मी की तरफ से, ये भी इसको प्लीज पकड़ा दो क्योंकि मम्मी इस वक्त वीडियो बना रही है। हाँ जी, मम्मी ने भी दिया है जी ये ट्रैक सूट। इसको ट्रैक सूट बहुत पसंद है, ये ना रंग बिरंगे नहीं पहनता शर्टे और ट्राउजर, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम इसको ट्रैक सूट ही दे। ये देखो जी, You like it, Ibu? Yes. Yes. और ये चॉकलेट्स आपके लिए मम्मी की तरफ से। सही है? पसंद आए आपको गिफ्ट्स? जी ये ले जी, आप भी सारे देख लो, क्लोज अप लुक दिखाती हूँ आपको। चलो भाई, उठा उठा के दिखाओ सारे। ये है और एक ये ट्रैक सूट, ये एडिडास ट्रैक सूट। यस, और एक मैकेंजी ट्रैक सूट। यस, चॉकलेट्स एंड शर्ट्स। यस, और दुआ ने परफ्यूम भी दिया भाई। हाँ जी, तो बस ये थी इब्राहिम की बर्थडे की छोटी सी वीडियो, क्योंकि रमजान है और हमने आपस में की है। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखें, बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइबर बन जाएं हमारे, और हमारी देखते रहें कि हम कैसे आपको एंटरटेन करते हैं। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।